गुलाबी सुंडी नुकसान के लक्षण और नियंत्रण के तरीके। गुलाबी सुंडी के प्रभावी प्रबंधन के लिए किसानों को गुलाबी सुंडी के जीवन चक्र, विभिन्न फसल चरणों में कीट के कारण होने वाले नुकसान के लक्षणों की बेहतर समझ होनी चाहिए। आवश्यक प्रबंधन दृष्टिकोण के लिए ईटीएल का पता लगाने के लिए नियमित फसल का निरीक्षण और फेरामोन ट्रैपिंग के माध्यम से गुलाबी सुंडी की निगरानी। एक मादा कीट 100 से 200 अंडे देती है। अंडा 4 से 7 दिनों में फूटता है और सुंडी कपास के फूलों, फूलगुड़ी और टिंडों में प्रवेश करती है। सुंडी पहली और दूसरी अवस्था में सफेद रंग की होती है, जो बाद में तीसरी और चौथी अवस्था में गुलाबी हो जाती है। सुंडी अवस्था सबसे विनाशकारी अवस्था है, जो लगभग 10 से 15 दिनों तक चलती है। प्यूपल अवस्था आराम की अवस्था है, जो लगभग 8 से 13 दिनों तक चलती है। बुवाई के 40-45 दिनों के बाद फूलगुड़ी विकास के समय संक्रमण शुरू हो जाता है। यदि फेरोमोन ट्रैप में वयस्कों का संग्रह लगातार 3 रातों तक प्रति रात 4 से 8 पतंगे हैं, तो ये छिड़काव के लिए ईटीएल को दर्शाता है। संक्रमित फूल नहीं खुलते हैं और पंखुड़ियों के अति व्यापी होने के कारण गुलाब आकार के फूल बन जाते हैं। यदि शुरुआती समय में 10% से अधिक फूल गुलाब आकार के फूल के रूप में देखे जाते हैं, तो ये छिड़काव के लिए ईटीएल को दर्शाता है। लार्वा हरे रंग के टिंडों में छेद कर टिंडों को नुकसान पहुंचाते हैं और बाद में परिपक्व बीज कोशों में बीज खाते हैं। यदि 10% से अधिक टिंडों पर हमला हो, तो ये छिड़काव के लिए ईटीएल का संकेत देता है। हरे रंग के टिंडों में निकास छेद पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होने के बाद गुलाबी सुंडी के बाहर निकलने का संकेत देता है। एकीकृत कीट प्रबंधन को अपना कर ही गुलाबी सुंडी का बेहतर प्रबंधन किया जा सकता है। फसल के बाद कपास के पौधे के डंठल को तुरंत नष्ट कर दे, ताकि बढ़ती आबादी को नष्ट कर सके। गर्मियों में गहरी जुताई खरपतवार और प्यूपा को नष्ट कर देती है। फेरोमोन ट्रैप 5 प्रति एकड़ पौधों से कम 1 फीट ऊपर स्थापित करे। पीपीई पहनकर ICAR, CICR, राज्य कृषि विश्वविद्यालय द्वारा बताए गए स्प्रे शेड्यूल का पालन करे। फसल अवधि 50 से 120 दिन 1 लीटर निम्बेसिडिन प्लस 1 ग्राम डिटर्जेंट पाउडर या क्लोरपाइरिफॉस 20% ईसी 500 से 1000 मिलीलीटर या प्रोफिनोफोस 50% ईसी 500 मिलीलीटर या थियोडिकार्ब 75% WP 250 ग्राम या फसल अवधि 120 से 150 दिन लैम्बडा साइलोथ्रेन 5% ईसी 100 मिलीलीटर या साइपरमीथ्रिन 10% ईसी 200 मिलीलीटर प्रति एकड़ का छिड़काव करके कपास को बचाएं। ज्यादा जानकारी के लिए केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान कृषि विश्वविद्यालय और कृषि विभाग से संपर्क करें। राशि सीड्स द्वारा किसान हित में जारी।